मंडळी, आत्तापर्यंत आपण पाहिलं धनंजय दातार यांनी त्यांचं हे सगळं साम्राज्य कसं उभं केलं. आता आपण पाहणार आणि ऐकणार आहोत अल आदिलच्या स्टोर्समधून वर्षानुवर्ष खरेदी करणाऱ्या भारतीय दुबईकरांच्या प्रतिक्रिया. किंमत आणि दर्जा या दोन्ही गोष्टींमुळे अल आदिलच्या स्टोर्समधूनच खरेदी करणं हे सगळेच पसंत करतात. मोस्टली जो हमें घर के, क्योंकि हम घर पे खाना बनाते हैं, जो मोस्टली सब सामान होता है, जैसे आटा हुआ, बेसन हुआ, और बाकी मैदा है, काला नमक वगैरह मोस्टली सब जगह नहीं मिलता, तो यहाँ पर मोस्टली सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है. तो इट्स बेटर टू गो सम आउट अदर प्लेस, वी कम टू दिस प्लेस. अब ये पास में ही है, क्योंकि हम रहते भी हैं टीकॉम में, तो बेटर है कि यहाँ पर आके सारा सामान मिल जाता है, तो घरेलू जो सारा सामान होता है खाने के लिए. एक तो यहाँ का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इंडिया से एक्चुअली मिलता जुलता है, क्योंकि वी आर ऑल इंडियन, तो इंडिया से ज़्यादा मिलता जुलता है. और दूसरी चीज़ प्राइस में भी बहुत अच्छा है, तो मतलब नॉर्मल प्राइस अच्छा है, बाहर के कंपेयर करेंगे तो अच्छा है, नॉर्मल है, मतलब सस्ता है वहाँ से. तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है कि क्वालिटी और प्राइस दोनों. कुछ फास्ट था भी महाशिवरात्रि का, ठीक है, तो वो चाहिए था कुटू का आटा, कुटू का आटा है ना, तो वो मिला नहीं कहीं पे भी, हमने देखा मतलब मोस्टली प्लेस पे नहीं मिला, तो कुटू का आटा फिर हमने यहीं से दिमाग में आया कि अल आदिल चलते हैं. हाँ, तो मैंने बोला कि वहीं मिल सकता है, तो हम यहाँ पे आए, यहाँ कुटू का आटा लिया, तो उन्होंने वो फास्ट था ना, तो रात शाम को इवनिंग में बनाते हैं, पकौड़ी बनाई थी, बहुत अच्छी पकौड़ी थी, मतलब बहुत टेस्टी बनी थी. आटा हो गया, चावल हो गया, और मसाले हो गए, और कभी समटाइम ये आपका स्नैक्स वगैरह, तो हम यहाँ से ही ले लेते हैं, यहीं से मोस्टली सभी ऐसे खरीदते हैं. मैं 12 साल से दुबई में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे मनकुल में रहता हूँ. जब भी मैं फूड स्टॉप का काम आता है तो मैं इधर अल आदिल में ही आता हूँ, और मुझे यहाँ पे अपने पूरे हिंदुस्तान की सारी वैरायटी मिल जाती है, जो भी मुझे चाहिए, आधे से लेकर छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक मिलती है. और मेरे पर्सनल मेरा बिजनेस अफ्रीका में भी है, तो यहाँ से भी मैं सारा फूड स्टॉप इंडिया का वहाँ पर लेके जाता हूँ. और जब मैंने यहाँ से लेना शुरू किया तब तक इनकी इतनी ब्रांचेस नहीं थी, पर डे बाय डे ये हर जगह पहुँच रहे हैं, एंड आई होप इन फ्यूचर दे विल सक्सेस एंड ओपन मोर ब्रांचेस. एंड आई लाइक द क्वालिटी, वैरायटी एंड द प्राइस, एंड आई फाइंड एवरीथिंग इज़ वेरी रीजनेबल. Thing, everything we can name it, we can get it from here. So I'm very happy. I wish them all the best and success. Let them open some more branches around the Dubai and UAE. मैं यहाँ पर 15 साल से हूँ दुबई में, और आदिल मेरी one of the favorite stores है. इंडिया का जो सामान मुझे लाना होता है वो यहाँ सब कुछ मिल जाता है, पैसे भी अच्छे हैं, रेंज भी अच्छी है, सो आई एम वेरी हैप्पी. सारा प्रोडक्ट यहीं पर, जैसे इंडिया की कमी महसूस नहीं होती है. मैं चाहती हूँ कि आदिल अक्रॉस द ग्लोब एक्सपांड करे, स्पेशली यूके में, क्योंकि मेरी बहन वहाँ रहती है, तो उनको भी थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टोर्स नहीं हैं आदिल के, यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड हैं. सो जितना ज़्यादा वहाँ भी एक्सपांड करे, यू नो, कैंट और लंदन एरिया में, तो वहाँ जो इंडियंस रहते हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. चला तर मग आता मी तुम्हाला एका अशा रेस्टॉरंटमध्ये घेऊन जाणार आहे जिथे मिळतोय मुंबईचा बर्गर. असे काय पाहताय? मुंबईचा बर्गर इन द सेन्स आपला वडापाव. करेक्ट, चक्क दुबईमध्ये मराठमोळी चव असलेला, मुंबईच्या वडापावची चव असलेला वडापाव आपल्याला चाखायला मिळतोय. चला तर मग या दुबईतल्या वडापाववर ताव मारूया. जसं वडापाव मिळतो तसा दुबईमध्ये सुद्धा मिळू शकतो ही कल्पना मला अजिबात करत नाही. म्हणजे आय कुड इमॅजिन की मला एवढा चांगला वडापाव इथे मिळेल. बरोबर, आपण आहोत मुंबई एक्सप्रेस नावाच्या जागेमध्ये, जिथे दुबईमध्ये सगळ्यात बेस्ट वडापाव मिळतो, आणि मुंबई एक्सप्रेसला रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड होतं अल आदिल, म्हणजेच आपले धनंजय दातार यांच्या कंपनीकडून. चला आपण चर्चा करूया आता त्यांचे मुंबई एक्सप्रेसचे ओनर्स जे आहेत त्यांच्याशी, आणि त्यांना विचारूयात की व्हॉट द लाईक अबाउट अल आदिल. सो सर, टेल मी, आपका जो रॉ मटेरियल है अल आदिल से जो आता है, तो अल आदिल क्यों, मतलब वाई अल आदिल एडमेंटली? अल आदिल में जो भी इंडियन बेस का फूड के लिए
टोटली रॉ मटेरियल उन लोग का उधर से ही सप्लाई होता है, तो हम लोग दूसरे जगह पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वहाँ से ही हम लोग, क्योंकि हम लोग मैं इधर बहुत साल से हूँ, मुझे बराबर आइडिया है कि उन लोग के पास ए टू जेड जो चाहिए इंडियन वेस हो के लिए हर चीज़ उधर मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल, वन स्टॉप शॉप। यस, तो क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो वड़ा पाव इतना बेहतरीन क्यों बना है, क्योंकि अलग दिल से ग्रोसरी आया है? सर आप देख सकते हैं कि सर इतने बिजी है वड़ा पाव खाने में, बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा है। सर वहाँ साहब क्या था, तुम्हें वड़ा पाव है आता प्रत्येक महाराष्ट्र से कुछ फेवरेट होता, तो दुबई मरे तुम्हें आज सर कितनी वड़ा वड़ा पाव खाता? नहीं मैं यहाँ रेस्टोरेंटमध्ये बाकीच्या वस्तू पण खायला येतो, चाट वगैरे माझ्या बायकोला खूप आवडतं, पाणीपुरी सेवपुरी आणि यांचा दहीपुरी वगैरे खूप छान आहे, आम्ही येतो गाडी पार्क करतो आणि लोक तिथे सर्व करतात आणि खूप आवडीने खातो, फॅन्टॅस्टिक, आणि वडा पाव मला खूप आवडतो आणि इथे येतो, आमचा सॅफ्रॉन टी पण खूप चांगला आहे, तो पण तो मी इकडे येऊन नेहमी घेत असतो, केशवचा फार छान वास आहे, व्हेरी गुड। काय मंडळी कशी वाटली दुबई आणि अल अदिल या धनंजय दातार यांच्या साम्राज्याची सफर, आवडली ना? आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची, पण सक्सेस अनलिमिटेड या कार्यक्रमात पुन्हा भेट होईलच एका नवीन यशस्वी उद्योजकासोबत, तोपर्यंत बाय बाय।